है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी अपनी चैनल एमएससी हिस्ट्री पे। बहुत बहुत स्वागत करता है आपका भाई अनिल। तो दोस्तों, आज वापस ही एक बहुत वांटेड मोस्ट वांटेड लोकेशन पे पहुंचा है आपका भाई, जो कि एक स्कूल है और वो हाईवे के करीब पड़ती है। वो हाईवे दिखा देता हूँ गाइस। वो हाईवे पर हम गाड़ी छोड़ के आए हैं और इधर से चल के जाना पड़ेगा उस स्कूल की तरफ, क्योंकि काफ़ी सालों पुराना है वो स्कूल, क्योंकि 50 सालों से तो बंद पड़ा है वो शायद। और स्कूल की स्टोरी उधर जाके बताते हैं, लोकेशन के करीब जाकर आ जाओ। दोस्तों, हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जो कि वो भूतिया स्कूल है, जो काफी साल पुराना है। दोस्तों, वो कॉलेज का व्यू अर्जी पे आ रहा पूरा। हाँ भाई, दोस्तों सबसे पहले तो हम गूगल टाइम शो कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है आपका भाई कहीं पे भी जाता है गूगल टाइम शो करके जाता है। बारह बज के 36 मिनट हो चुके हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। हो गया भाई। हाँ भाई, दोस्तों स्कूल की स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। इधर काफी सालों पर लोगों का मानना ऐसा है, इधर आसपास के गांव वालों ने हमको थोड़ा सा स्टोरी बताया है, क्या है क्या नहीं है वो तो अंदर जाके मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, गांव वालों ने जो स्टोरी बताई है उसका मैं थोड़ा जिक्र कर लेता हूँ। दोस्तों, इधर काफ़ी सालों पुराने बहुत से सारे बच्चे इधर पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से कुछ ऐसा हुआ था जो कि बहुत कहने में भी बहुत थोड़ा दुख हो रहा है भाई। एक दिन एक लड़के ने इसमें पानी के टंकी के ऊपर छलांग लगा के सुसाइड कर लिया था। वो तो सब स्कूल वालों ने ऐसे ही रहस्यमय मौत हुई थी, क्या हुआ था किसी को मालूम नहीं पड़ा था। वो तो क्या था क्या नहीं था वो किसी ने भी आज तक पता नहीं लगाया है। और उसके बाद 15-20 दिन होने के बाद दूसरे लड़के ने भी सुसाइड किया था, जो कि फांसी लगाई ली थी स्कूल के अंदर। फांसी लगा ली थी दोस्तों, और वो उसी की भी मृत्यु रहस्यमय मृत्यु के नाम से जानी जाती है। और उसके एक महीने बाद एक और लड़के ने सुसाइड कर लिया है, जो कि टेरिस के ऊपर छत के ऊपर से कूद के अपनी जान दे दी थी। उसके बाद सब ने भी स्कूल वालों को बहुत प्रेशर डाला था, और स्कूल वाले भी अब कोई पता ही नहीं चला, क्योंकि उसकी सबकी मौत रहस्य में ही हुई थी, क्या हुआ था किसी को मालूम नहीं पड़ा था। और एक दिन अचानक से पूरा स्कूल इधर ऐसे भी बना बन चुके हैं, जो स्कूल की घंटी है और छुट्टी होने से पहले ही कभी कभार बज जाती थी। सबको ऐसा लगा था कि वॉचमैन ने वो घंटी, पट्टे वाले ने वो घंटी बजाई है, पर जब स्कूल की छुट्टी नहीं रहती उससे पहले तो घंटी बज जाती थी कभार कभार कभी कभार। चलो अर्जी भाई, अंदर चलते हैं। चलो भाई। देखने में से आपको सबको मालूम पड़ सकता है गाइस कि पूरा लोकेशन कितने सालों पुराना है।
और पहले की स्कूल तो ऐसी रहती थी, आप सभी को मालूम ही है दोस्तों। अचानक से एक बार बिजली चली गई थी और बिजली चलने जाने के बाद पूरा स्कूल के बच्चे स्टाफ पूरा अंदर ही फंस गए थे। उसने बाद में वॉचमैन को कॉल किया और पूछा कि भाई तू ये गेट बंद करके क्यों चला गया, गेट बंद करके वॉचमैन चला गया था। उसके बाद वॉचमैन को कॉल लगाई तो वॉचमैन ने बता दिया कि आपको मालूम है ना मैं 2-3 दिन की छुट्टी लेके गया हूँ। तो उसके बाद प्रिंसिपल भी थोड़े से डर गए थे क्योंकि वॉचमैन ने गेट नहीं बंद किया तो गेट बंद करने वाला था कौन। आज भी वो रहस्यमय बात ही हो चुकी थी पूरी। चलो और जीवन अंदर चलते हैं। चलो भाई, थोड़ी स्टोरी थोड़ी लंबी है बताने। ओके, कुछ आवाज सुनी भाई? ऐसी आवाज आ रही है गाइस जैसे कोई चल के इसके अंदर घूम रहा है, क्या है क्या नहीं है वो तो अंदर लगा के जाके देखते हैं। कौन है इधर? क्या है भाई वो? उसका मतलब क्या है भाई? शायद भाई जब ये स्कूल बनी होगी 1978 के साल में शायद स्कूल बनी होगी, 1978 लिखा हुआ है। क्या है भाई? कुछ कपड़ा है भाई, एल साइल और लाइट का बोर्ड का वायरिंग पूरी देखो भाई, पंखे की पूरी वायरिंग जब निकाल दिया है। ये क्या? क्या है? प्लास्टिक है कुछ भाई यार, सब कैप्चर करो यार, सब लोकेशन देख के गाइस आपको मालूम पड़ गया होगा क्योंकि काफी सालों से बंद पड़ा है सब। पूरा रूम भी ऐसे जिसे आग लगाई हो और ये सब देखो भाई, ओ भाई जैसे किसी ने फांसी लगाई हो ऐसा लोकेशन बन रहा है। वो क्या चीज है भाई, बार बार आके चली जाती है भाई।
दोस्तों आप सब देख सकते हो पूरा रूम में से डरावना कैसा है। ओ भाई संभालो भाई, क्या है भाई? कुछ क्या मेरे मेरे को डूबा भाई? भाई और जो भी चीज नजर आई भाई उस रूम में भी वो की मेरे को नजर आई। क्या था भाई? कैमरा में कैप्चर हुआ भाई? हाँ भाई, जो भी था भाई ब्लैक ब्लैक सा था और बहुत डरावनी चीज थी भाई, पता तो लगाना पड़ेगा भाई वो क्या चीज थी। चलो अंदर चलते और इस बार थोड़ा संभाल के भाई। हाँ भाई, भागने की पूरी तैयारी में रहना भाई। क्या था भाई? जो भी था गाइस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है वो आप चल क्या रही है भाई इस तरफ देखो। ओ भाई कौन हो? कौन हो आप? इधर चल क्या इधर भाई क्या भाई? ओ भाई कुछ चल क्या रहा है देखा भाई? ओ भाई आ कैप्चर हो रहा भाई कुछ? हाँ भाई हमारी तरफ भी आ रहा भाई। कौन आप? ओ भाई दोस्तों ये जो भी है कैमरे के सामने है हरजी भाई थोड़ा जूम करके दिखा दो क्योंकि सबको लगे जूम हो रहा भाई। हाँ भाई जो भी है बहुत भयानक है दोस्तों वो आपके सामने ही है। ये स्कूल की क्या रहस्यमय घटना हुई थी किसी को मालूम नहीं है अभी तक। ओ भाई भाई इसी तरफ आ रहा है। चलो भाई निकलते हैं दोस्तों। चलो चलो और जी भाई चलो भाई चलो 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 क्योंकि भाई गाड़ी भी अपनी दूर है इसलिए भागना तो पड़ेगा भाई। निकलो ओ भाई क्यों हो रहा है भाई कुछ? हाँ भाई लाइट बढ़ाओ फुल अभी। वो भाई दरवाजे के पास ही खड़ा भाई देखा भाई। हाँ भाई जो भी है क्या नहीं है चांद थोड़ा भाई थोड़ा ज्यादा हो चुका है इसलिए अंदर नहीं जाएगी हम। ओ भाई चीज अभी दरवाजे के पास ही खड़ी है वापस अंदर जा रही है शायद भाई। अब टाइम ज्यादा हो गया है निकलना चाहिए जाना सही नहीं रहेगा दोस्तों क्योंकि ओ भाई आवाज है कुछ नहीं। हाँ भाई ओ भाई गायब हो गई भाई। ओ भाई
चलो दोस्तों निकलते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं और अर्जी भाई दोनों ही इधर आए हैं, इसलिए अंदर जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सेफ्टी के लिए कुछ लाया नहीं है भाई, गाड़ी भी दूर खड़ा नहीं है, और हम दो ही है भाई, क्योंकि अभी रात भी थोड़ा ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अंदर जाना सही नहीं रहेगा दोस्तों, इसलिए हम निकलते हैं। और अभी तक हमारी चैनल एमएससी स्टोर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करो, और यह लोकेशन पे आपका भाई वापस आएगा, और इसका क्या रहस्य है वो सब कैमरे के सामने रिकॉर्ड करके जाएगा भाई। अभी थोड़ा टाइम ज्यादा हो चुका है इधर, इसलिए रुकना सही नहीं बात है। चलो अर्जी भाई, चलो भाई कैमरा ऑफ कर दो भाई।